बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा आप ये जो नया रूल आ रहा है, अब जैसे सलाइवा का यूज नहीं कर सकते आप बॉल पे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सो डू यू थिंक आप बॉल को आप चमका नहीं पाओगे तो स्विंग नहीं करा पाएंगे बॉलर, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? थोड़ा सलाइवा जरूर हेल्प करता है आपको बॉल मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर बॉल बना बिना सलाइवा के अगर सही से रब करेंगे तो शायद उतनी शाइन ना आए उस बॉल में, लेकिन वो जी पार्ट थोड़ा हल्का सा वार्म गर्म हो जाता है जो जी भी एयर को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो सलाइवा एक पार्ट होता है बॉल का, शाइनी पार्ट दिखना चाहिए, और दूसरा रब करते हैं ताकि बॉल उस साइड थोड़ा सा हल्का सा गर्म जैसा हो जाता है, तो वो भी तो शायद एक पार्ट निकल गया है लेकिन दूसरा पार्ट मौजूद है आपको शाइन करने का, जो उसकी स्मूथनेस बरकरार रखने के लिए। तो थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी और उतनी हेल्प नहीं मिलेगी जो पहले मिलती, थोड़ी मुझे लगता जरूर मिलेगी। और वैसे भी अगर आप देख लो आज से 10 15 20 साल पहले जी बॉल कितना स्विंग करता था और आज बॉल क्यों नहीं स्विंग करता, वाइड बॉल स्पेशली। शायद मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं हर बात सही बिल्कुल हूँ, मुझे लगता शायद कुछ शेप में चेंजेस हैं, वेट तो चेंज हो नहीं सकता कि जिसकी वजह से बॉल उतना हाथ से छूटने के बाद उतना ज्यादा मूवमेंट करता नहीं है। नहीं तो पहले अगर ओके हम इंडिया टीम इंडिया में खेलने से पहले एसजी टेस्ट की बॉल से खेलते थे या फिर जिससे भी, अगर आपने सही से मेंटेन किया तो आपको 30 35 ओवर तक वो आपको थोड़ा थोड़ा हरकत करता था, पर अभी आप 4 5 ओवर बाद तो बॉल स्विंग ही नहीं करता है क्योंकि वाइड बॉल में जो कुकुबुरा का बॉल वाइड बॉल है कि आप दोनों साइड से साइन, क्योंकि आप पता नहीं कर पाते किस साइड साइन करना, दोनों साइड एक साइड बर्ड एक साइड मोनोग्राम दोनों उड़ जाता है। हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो करियर की जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी, एक 4 for 13 वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो कोई नहीं भूल सकता, जो 2007 वर्ल्ड कप में आपने परफॉर्मेंस की थी, और 5 for 59 एट लॉर्ड्स। पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके दिल के करीब कौन सी ज्यादा परफॉर्मेंस है? ये दोनों परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और इन दोनों ने काफी कुछ नाम भी दिया हमें और मैच भी जीते हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पर मेरे हिसाब से मेरी जो बड़ी परफॉर्मेंस थी, मेरा पहला ही मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान फैजलाबाद, और मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था उस मैच में। उसमें क्योंकि बहुत बैटिंग पैराडाइज विकेट था, वहाँ बहुत रन बने थे, उसमें जी मुझे 5 विकेट मिले, तो वो शायद मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिचुएशन बहुत ऑड थी, एज ए बॉलर सरकमस्टांसेस बहुत अलग थे और बहुत पिटाई लगी थी हम सबकी। दोनों टीमों ने ऑल आउट भी नहीं हुए थे और शायद पाकिस्तान ने कुछ 600 650 बनाए थे, हमने कुछ 640 ऐसा कुछ था। तो वैसे में बॉलिंग करना बहुत चैलेंज था और उस चैलेंज में मेरा पहला ही मैच था, तो वहां मुझे वो परफॉर्मेंस मेरे बहुत खास थी क्योंकि उसके बाद काफी लोगों को लगा कि हाँ स्किल के साथ साथ वो इसके पास वो स्टेमिना और रिदम भी टेम्परामेंट जो भी है। लंबा ओवर डाल सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई इंटरव्यू विद आरपी सिंह। इट वॉज ग्रेट टू इंटरव्यू हिम। थैंक यू सो मच आरपी सिंह, एंड थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग इट।